वैसे तो नहीं छोड़ दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है सेकंड डे, आज हम जा रहे हैं गढ़गंगा दादी जी के अस्थि को विसर्जन करने के लिए। तो मैं, हेमलता और मेरी ताई जी और उनके पोते वो जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम CNG लेने के लिए रुके हुए हैं और बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। तो उसमें मोस्टली सारे, उसमें ताऊ जी हैं, शिवम हैं, मोस्टली सारे जितने भी जाने वाले हैं वो सब जा रहे हैं। तो फिलहाल CNG भरवाते हैं और चलते हैं। मैंने सोचा कि मतलब ये पार्ट भी मैं शेयर कर दूँ आप लोगों से कि मतलब कि याद रहेगी ये सब चीज़ें भी, क्योंकि दादी जी को हमने कैसे विदा किया कभी भी, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें हैं ना कि कभी भी आप उठाकर देख लो अपनी पास्ट की बातें, आपको आप खुद देख सकते हो आपने हर एक दिन कैसे गुजारा। मतलब मैं अपनी स्टोरी, अपनी चीज़ें देख सकता हूँ कैसे हर एक दिन गुजारा, हर एक दिन कैसे वीडियो पोस्ट की, हर एक दिन का व्लॉग। गाइस, गढ़गंगा पहुंच गए हैं और पोते होने के नाते बालों का बलिदान देना पड़ेगा, तो अब चलते हैं बालों का बलिदान देने के लिए। शकीला मुगैम्बो खुश हुआ। फाइनली अब देख रहे हो क्लीन शेव हो चुकी है, पूरा टकला हो चुका है। तो अभी रुके हैं खाना खाने के लिए, पूजा वगैरह हो चुकी है तो खाना खाते हैं, जल्दी से निकलते हैं, फिर नॉन स्टॉप जाना है। और मुझे तो अपना हुलिया देख के वो हो रहा है, मैंने साफ ही बांध लिया। वैसे तो खैर कैप लगा लूँगा, पता लगे फिर। कैसा लग रहा है गंजा हो नंबर एक अभी और बाकी आ रहे हैं, ये तो नंबर एक ही है और पीछे आ रहे हैं अभी नंबर दो और नंबर तीन। कैसी शक्ल लग रही है? हाँ ठीक है, आ जा। और ताई
क्या बोलता है राधे 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 सारे पंडित लग रहे हैं। ये देखो इसकी माला माला ना डालना जब उसको बजाने में आया था ना माला ना लकी जब पंडित जी कुछ खिला दे तो खिलाया चिल्ली पटेटो था बर्गर था चावल खाया था कुछ खाया था पंडित जी समझ के खिला देते कुछ क्या मैं पापा नहीं हूँ सिस्टी के पापा गड़गंगा चोड़ा है आएंगे 10-15 दिन में निकल के बाहर दूसरे पापा ले आई मम्मी और किट्टू किट्टू नहीं भी पहचाना मुझे किट्टू तो नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है ना किट्टू हाँ ये देखो लोटपट हो रही है ये लोटपट हो रही है क्या हाँ इतने थोड़े से बाल बचा है चोटी के लिए मेरी चोटी बची है बस ये भी कटवानी थी बाल वहाँ पर देख हम गंगा जी में बाल देकर आते हैं अपने ये भी कटवा लेते नहीं फिर तो और भी बेकार लगता जितनी थोड़ी बहुत तो गाइज अभी जैसे कि आपने देखा बाल उतरवाए हैं बिकॉज दादी जी के लिए वहाँ पर मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा कि जब हम गड़गंगा जाते हैं तो वहाँ पर अर्पित करते हैं अपने बालों को इसलिए शेविंग भी करवाई थी और इसीलिए बाल भी पूरे वहाँ पर देकर आए हैं तो मैंने शिवम ने गोपाल ने और मेरे ताऊ थे वहाँ पे चाचा थे उन्होंने और भी मतलब एक और था चाचा का लड़का तो सब वहाँ पर बाल अपने अर्पित करके आए थे सारे क्योंकि दो अलग अलग गाड़ी में थे एक हम एक ऑल्टो में थे जिसमें कि हमारे साथ हमारी ताई थी हिमलता थी और बच्चे एक्सचेंज हो रहे थे कभी उस गाड़ी में बैठ रहे थे कभी इस गाड़ी में बैठ रहे थे तो बाकी सारे उस गाड़ी में बैठे थे तो और किसी को तो मैं ब्लॉग में दिखा नहीं पाया था शिवम विम जब जब रुके थे तब तक और माइंड में इतना था भी नहीं ब्लॉग करने के लिए वरना मैं फिर वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉग ही करता क्योंकि पता ही है कि जब ऐसे टाइम पे कैसा मन होता है स्नान करने के बाद हम लोग गंगा पे ही जो पितरों का वो करते हैं वेद होते हैं पंडित होते हैं प्रॉपर अच्छे तो जिनके पास हमारे जो पत्रा बोलते हैं उसको कि पत्रा में नाम लिखा जाता है तो वहाँ गए थे तो वहाँ पर फाइनली मेरा और हिमलता का भी नाम लिखा गया क्योंकि शादी के बाद बहुत सालों बाद गए ना वहाँ पे तो इसीलिए पापा का ही नाम लिखा हुआ था पापा के बाद फिर हम भाइयों का किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था तो कभी भी कोई जैसे होते ना दादा परदादा उन सब के नाम लिखे होते हैं तो वहाँ पर वो सब नाम लिखे हुए थे मेरे दादा के भी दादा के ऐसे वहाँ पे पत्रा में नाम लिखे होते हैं कहते हैं ना जब किसी की डिटेल निकलवानी होती तो दादा परदादा और दादा कौन थे तो वो सब वहाँ पर लिखा हुआ था तो फाइनली वहाँ पर भी नाम लिखवा दिया है ये एक काम बहुत अच्छा हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा जिससे कि एक वंश अब आगे चलेगा मेरा अलग ही मेरे नाम से और शिवम के अलग नाम से गोपाल के अलग नाम से कभी भी कोई जाएगा पत्रा में कि हाँ राजवीर के ये बच्चे थे या गोपाल के ये बच्चे थे या शिवम के बच्चे थे दादा परदादा ऐसे सब चीज़ चलेगी वैसे तो दादी एक अच्छी एज के बाद गई है ऐसा कोई दुख वाला वो नहीं है बस मेरी कामना यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले हम दादी के लिए और भी आगे पिंडदान वगैरह करते रहेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए ताकि आगे उनको कोई परेशानी ना हो और भी जो पितर हैं उनके साथ वो सुखी रहें खुश रहें इन सब चीज़ों के लिए हम खुद से पिंडदान करेंगे तो थैंक यू सो मच गाइस आपने वीडियो को एंड तक देखा इस नए लुक में तो मैं आपको अपना मतलब फेस दिखा नहीं सकता जब तक बाल नहीं आ जाते क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा तो मैं एक तरह से शाय पर्सन तो हूँ ही तो दिखा नहीं सकता जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को फेस रिवील करूंगा अपना थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू अपना ख्याल रखें अपने परिवार का भी ख्याल रखें मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे व्लॉग्स के साथ जल्दी मैं कंटिन्यूटी में व्लॉग करूंगा
देखता हूँ किस दिन मैं व्लॉग बनाता हूँ, कंटिन्यूटी में व्लॉग करूंगा। अभी थोड़ा बहुत टाइम ऐसे ही चल रहा है ना, थोड़ा गैप लेके तब मैं करूंगा, कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूंगा, डोंट वरी। और घर पर गरुड़ पुराण की कथा भी चल रही है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, हर एक कोई पर्सन वो चीज़ें सीखे। गरुड़ पुराण की कथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, बहुत अच्छी है, बहुत ये रियल रियलिटी होती है गरुड़ पुराण, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना ज़रूर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।